ठीक देखा है आपने थंबनेल कि शुक्र चले अपने शत्रु के घर में, पांच ग्रहों के माया जाल में फंसेंगी माँ लक्ष्मी, महत्वपूर्ण फल यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेष से लेकर के मीन राशि तक का पूरी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। और साथ ही ये बात तो बिल्कुल ठीक है ही कि आप अपने शत्रु के घर में बैठें या आपका शत्रु आपके घर आकर के बैठे, आप अनकंफर्टेबल तो हो ही जाएंगे। शुक्र सूर्य को शत्रु मानते हैं और सूर्य शुक्र को मानते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब शुक्र का गोचर ही सूर्य के घर में होगा तो बहुत बड़े बदलाव हमारे दैनिक जीवन में बदलेंगे। ये समय 17 तारीख को सुबह से प्रारंभ होगा और लगभग 25 दिनों तक ये स्थिति रहेगी। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कराए तो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि जल्द आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। एस्ट्रो 24 हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी ज़रूर फॉलो करें। यहां पर भी आपको डेली अपडेट्स देखने को मिलेंगे, दैनिक राशिफल भी देखने को मिलेगा। और आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, इनका कैसा व्यवहार है, किस प्रकार की सोच है। मित्रों तेजस्वी इनका रूप है, ब्राह्मण जाति से आते हैं, मधुर वाणी है और मृदु स्वभाव वाले हैं। वात कफ इनकी प्रकृति है, जलीय तत्व प्रधान इनको कहा जाता है, विशाल नेत्र हैं, सुंदर आकृति है और वृष राशि और तुला राशि के ये स्वामी होते हैं। इसके अलावा रूप सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वासना का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रेम प्रसंग का, वीर्य का, कामेच्छा का, धन संपत्ति का, इसलिए इनको धन का कारक भी कहा जाता है। व्यापारिक उन्नति भी हमारे जीवन में इनके द्वारा देखी जाती है। आभूषण, नृत्य कला, संगीत, राइटिंग, श्वेत व रेशमी वस्त्र, इसके अलावा जितने भी सुगंधित आइटम होते हैं, परफ्यूम हो या फैशन से, अंडरगार्मेंट से, कपड़ों से रिलेटेड काम हो, ऐसे कार्य में लेके जाते हैं। श्रृंगार से संबंधित चांदी का, रुई का, मोती का, हीरे का, स्फटिक का, शेयर बाजार का, रति सुख का, ऐसी सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा फिल्म लाइन, उद्योग जगत, कला का, एक्टिंग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सिनेमा टेलीविज़न के कारक हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं और ये मंगल के साथ में रहेंगे 20 जुलाई से और 17 से लेके 20 तक रहेंगे अकेले सिंह राशि में। फिर सिंह राशि में 20 को गोचर हो जाएगा मंगल का भी, तो फिर इन दोनों की एक युति बनेगी और ये युति आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालेगी, हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगी, ये यहाँ पर आज चर्चा का विषय रहेगा। इसके अलावा भोग विलासिता के कार्य, जो लीकर का काम होता है, वाइन वगैरह का, ये इसके द्वारा चलता है। विवाह का, प्रेम सुंग का, सुख का, ललित कलाओं का, ये सब भी इन्हीं से देखा जाता है। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हैं अकेले यहाँ पर बुध ग्रह के पास। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका प्रभाव मेष राशि के दर्शकों पर क्या पड़ेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे चर्चा करते हैं यहाँ पर मेष की। मेष राशि वालों के लिए जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार शुक्र ग्रह पंचम भाव में संतान के घर में, नीति के घर में, विद्या के घर में, इस घर में गोचर करेंगे और 20 तारीख से मंगल भी यहां पर आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा विशेष फलदायी तो नहीं रहेगा क्योंकि पंचम भाव में इनका रहने का सीधा सीधा मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में रुकावटों को उत्पन्न करना। ये एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी इसमें दिखाई दे रही है, कहना चाहता हूँ कि गुप्त युक्तियों से पैसा मिलेगा, इसलिए धन प्राप्ति का बहुत सुंदर योग है। माता लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है वो यहाँ पर भरपूर मात्रा में मेष राशि वालों को गुप्त तरीके से प्राप्त होने जा रहा है। इसके अलावा स्त्री का जो सुख होता है इसमें ज़रूर कुछ कमी होगी और जिनके एक्स्ट्रा अफेयर वगैरह कुछ चल रहे हैं उनको विशेष ध्यान यहाँ पर रखने की आवश्यकता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा संतान के साथ में कुछ मतभेद की स्थिति बनेगी क्योंकि संतान के घर में भी हैं और शत्रु के घर बैठे हैं और मंगल के साथ में हैं, तो इस वजह से दिक्कत आती है। प्रॉफिट के लिए देवगुरु बृहस्पति आपको पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं और सूर्य देव भी आपके लिए स्थिति मतलब नॉर्मल रखेंगे 25 तारीख तक तो, और 25 के बाद फिर
जो सूर्य हैं वो भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसलिए कह सकते हैं 25 जुलाई के बाद जो ग्रह गोचर बन रहा है वो कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर दिखाई देता है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और यह जो राशि रहेगी इसका नाम है मिथुन। मिथुन के दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए यह जो ट्रांजिट होगा तीसरे भाव में हो रहा है, शुक्र शत्रु के घर में तीसरे स्थान में जाएंगे, तो आपको भाई के सुख में कमी महसूस होगी। इस दौरान विघ्न बाधाओं के साथ आपको उच्च शिक्षा प्राप्ति का योग बनेगा, मतलब चीज़ें इजी टू ऑपरेट इतनी नहीं दिखाई देती। आजीविका के साधन चलाने में आपको विशेष रूप से संघर्ष करना पड़ेगा। खर्चे ज़्यादा होना, संतान से कष्ट होना, स्त्री से कष्ट होना, ऐसा एक योग दिखाई देता है। व्यवसाय में भी विघ्न उत्पन्न होने का योग दिखाई देता है। परंतु अभी 25 जुलाई तक तो बुध ग्रह आपकी कुंडली को पूर्ण रूप से संभाल लेंगे। मैंने इसका एक फल भी बताया है आपको, क्योंकि भद्र नाम का राजयोग बना हुआ है और गुरु की दृष्टि में इस समय यहाँ पर गोचर कर रहे हैं आपके गुरु महाराज, तो यहाँ पर भाग्य को और आपके कैरियर को, आपके मान सम्मान को गुरु और बुध संभाल लेंगे। परंतु जो मैंने स्टार्टिंग में बातें बताई हैं उनका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी सिंह। तो जितने भी जातक, सिंह मीन्स लियो, जितने भी दर्शक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपके लिए यह जो गोचर होगा स्वयं आपकी राशि में ही हो रहा है, और यहाँ पर शुक्र की और मंगल की युति 20 जुलाई से शुरू भी होगी। ऐसे में आपका आकर्षक व्यक्तित्व होगा, लोग आपकी तरफ खींचेंगे। आप जो कहते हैं ना, कुछ लोगों में एक अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर एक व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा। आप अपने लिंक, अपने लाइजनिंग से अच्छे कार्य बना पाने में कामयाबी हासिल करेंगे। हसमुख स्वभाव आपका रहेगा, ऐश्वर्यवान रहेंगे आप। इसके अलावा वाहन व भौतिक जो सुख साधन हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, पर अनजान लोगों से आपको सावधान रहना होगा। और नौकरी में किसी भी प्रकार का आपको विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, अन्यथा भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। इसलिए मित्रों, मैंने जो आपको बातें बताई हैं इनका आपको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क की। कर्क के अनुसार इस राशि के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा की वैसे भी शत्रुता है शुक्र के साथ में, और लॉर्डशिप आ जाएगी यहाँ पर प्रॉफिट की और सुख साधनों की। दो इम्पॉर्टेंट हाउस यहाँ पर शुक्र के पास हैं, गोचर पर अच्छी जगह कर रहे हैं धन के घर में, पर हैं शत्रु की राशि में। तो ऐसी स्थिति में जब ये दूसरे स्थान में रहेंगे तो आप की वाणी में मधुरता ज़रूर आएगी, आप अपनी वाणी से काम बना पाने में कामयाबी हासिल करेंगे। कोई नेत्र से संबंधित आपको कष्ट चल रहा है तो वो आपका सुलझ जाएगा, पर विलासिता की प्रकृति आप में देखने को मिलेगी। इसके अलावा माता के और परिवार के लोगों का जो सुख होता है उसमें कुछ कमी होगी, वहाँ एक मतभेद की सिचुएशन बढ़ेगी, भाई बहनों के साथ में भी तनाव होगा। पैसा आएगा परंतु अत्यंत संघर्ष आपको इस दौरान करना पड़ेगा, उसके बाद लाभ मिलेगा। सुख साधन ज़रूर आप प्राप्त करेंगे, आप एक अच्छे कुशल वक्ता बनेंगे, आपकी वाणी में ओज रहेगा, लोग आपकी तरफ निश्चित तौर पर खींचेंगे। कहते हैं ना कर्तव्य परायण होना, तो यहाँ आप बहुत कर्तव्यता के साथ में अपने कार्य को करेंगे, पर क्योंकि शत्रु की राशि में है तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेंगे उनमें विघ्न उत्पन्न होगा और कुछ कठिनाइयों के साथ में कार्य बनने का एक योग बनेगा। तो दोस्तों ये है कर्क राशि का फल। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि, और यह रहेगी वृषभ। आपकी राशि के स्वयं स्वामी शुक्र हैं और इनका गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा। फोर्थ हाउस इम्पॉर्टेंट स्थान है क्योंकि सुख साधनों को रिप्रेजेंट करता है। स्वयं आपकी राशि के स्वामी होकर के शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो आपके लिए समस्या क्या होगी उत्पन्न, पहले तो ये बता देता हूँ। वैसे तो भूमि के कारक मंगल के साथ है तो स्थिति बैलेंस भी बनेगी, पर 17 तारीख, 18 तारीख, 19, इन तीन दिनों में आपको कोई विशेष लेन देन नहीं करने चाहिए, 20 तारीख के बाद आप कर सकते हैं। पॉजिटिव क्या है वो सुन लीजिए। सबसे पहली चीज़, प्रॉपर्टी, मकान, ज़मीन, जायदाद, ऐसी सब चीज़ें जो हैं उनमें लाभ मिलेगा, पर कठिनाइयों परेशानियों के बाद 20 तारीख के बाद करते हैं तो निश्चित तौर पर स्थिति ठीक होगी।
पिता के सुख में कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपका निज पुरुषार्थ जो है उसी से काम बनेंगे, आप किसी के बहुत ज़्यादा भरोसे मत बैठिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अच्छी चीज़ ये है कि लगभग 25 जुलाई के बाद से जो लोग सरकारी नौकरी के अंदर हैं उनके लिए उन्नति के जो रास्ते हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं और शुभ मैनर में बन रहे हैं, इसलिए आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। मित्रों अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए जो गोचर बनेगा उसके अनुसार कन्या वालों जो ग्रह गति है वो एक प्रकार से मंगल शुक्र विलासिता ऊर्जावान एनर्जी ऐसी सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका जो ट्रांजिट है ये पॉजिटिव नहीं है। 12th हाउस में जा रहे हैं, भाग्य को लेकर के शुक्र चले जाएंगे, धन को लेकर के शुक्र चले जाएंगे, शत्रु की राशि में चले जाएंगे, मंगल भी वहाँ चले जाएगा, तो गलत चक्कर में आप फंस सकते हैं, गलत संगति के कारण आपको कोई भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए ये परिवर्तन कोई विशेष फलदायक नहीं है, आपके ऊपर कोई इंक्वायरी हो सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है, इस प्रकार का जो गोचर है वो यहाँ पर बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वह रहेगी तुला। तो जितने भी जातक मुझे इस समय तुला के सुन रहे हैं, आपके लिए जो परिवर्तन है वो लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा है, लाभ जरूर आपको प्राप्त होगा, पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा वो ये कि आपको बहुत ज़्यादा व्यापारिक पार्टनर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सावधानी के साथ में चलें, केयरफुली वर्क करें। और इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान और रखना होगा वो यह है कि पैसे का जो लेन देन करना है वो 25 जुलाई के बाद में करिएगा तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो जितने भी जातक धनु के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए जो ये शुक्र का परिवर्तन होगा ये परिवर्तन अच्छा है, क्योंकि ये भाग्य स्थान में हो रहा है और भाग्य स्थान में आकर के हर ग्रह को बल मिलता है, हर ग्रह नवम स्थान में आकर के शुभ ग्रह अपनी शुभता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ कठिन परिश्रम ज़रूर करने पड़ेंगे पर उन्नति ज़रूर होगी, ये मैं 100% कह सकता हूँ। भाग्य के माध्यम से रुके हुए जो कार्य हैं वो भी बनेंगे, लाभ की स्थिति जो है वो बनेगी, धार्मिक विचार आप में बढ़ेंगे, धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। पर एक चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि 2nd हाउस में आपके शनि वक्र स्थिति में है तो परिवार के लोगों के साथ में जो एक मतभेद है वो देखने को मिलेगा, परंतु गुप्त युक्तियों के द्वारा के बाद लाभ प्राप्ति का एक सुंदर अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा ये संतान के लिए काफ़ी अच्छा है, जो लोग काफ़ी बच्चों के साथ जिनका मन मुटाव चल रहा है ऐसे लोगों के लिए अच्छा है, उनको यहाँ पर संतान के द्वारा लाभ प्राप्ति के जो साधन है वो बनेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो एक तरीके से आपके लिए जो गोचर है वो काफ़ी हद तक ठीक है, ऐसी कोई विशेष चिंता वाली बात इसमें नहीं नज़र आती। अब बात करते हैं आपसे वृश्चिक राशि की। आपके लिए परिवर्तन शुक्र का अच्छा रहेगा, बुरा नहीं है, केंद्र में है, मजबूत रहेगा, लाभप्रद रहेगा। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को लेकर के और खर्चों को लेकर के गवर्नमेंट जॉब में गोचर करेंगे, पर शुक्र मंगल के साथ रहेगा 20 तारीख से और गुरु की दृष्टि में भी है तो काफ़ी चीज़ों को ये बैलेंस कर देगा। जॉब को लेकर के कुछ स्थिरता ज़रूर आएगी पर गुप्त शत्रुओं का भय यहाँ पर बना रहेगा, जो लोग आपसे जलते हैं ऐसे लोगों से आपको दूरी बना करके रखनी पड़ेगी, ये मैं आपसे विशेष रूप से कह देना चाहता हूँ। इसलिए जो मैंने बातें आपको बताई हैं इनका आपको स्मरण करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और किसी भी कार्य में बहुत ज़्यादा आपको उतावलापन नहीं दिखाना है, संयमवश आप कार्य करिएगा। मकर के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो ये शुक्र का परिवर्तन है ये अच्छा नहीं दिखाई देता, इसमें शुक्र 8th हाउस में जा रहे हैं और वो भी कैरियर को लेकर के और संतान को बुद्धि को लेकर के, तो यहाँ आप कहीं ना कहीं भ्रमित रहेंगे, दिक्कत आएगी, स्त्री या पुरुष पक्ष से हानि उठानी पड़ सकती है, स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा, केयरफुली कार्य करना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ में बना करके रखिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर करनी चाहिए। बात करते हैं मीन राशि की। दोस्तों आपकी जो ग्रह गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंगली आपको भी कोई ज़्यादा विशेष लाभ यहाँ नहीं दिखाई देता। छठे भाव में मंगल शुक्र रहते हैं और शुक्र वैसे भी शत्रु राशि में है और गुरु जैसे शुभ ग्रह वो भी 12वें भाव में है तो ये नुकसान पहुँचा देंगे आपको।
इसीलिए आपको भी विशेष सावधानी के साथ में यहाँ पर चलना चाहिए लगभग 25 दिनों तक, और कोई विशेष कार्य हो तो भी उसको आप टाल दें, मत करें, या 25 से पहले पहले कर लें, 25 जुलाई से पहले पहले, 25 जुलाई के बाद से शांति के साथ समय निकालना है, क्योंकि मंगल और शुक्र छठे भाव में रह करके कहीं ना कहीं नुकसान या उलझा देते हैं या कोई कष्ट दे देते हैं, ऐसा एक गोचर बनता है। बात करना चाहूँगा कुंभ राशि की। आपकी ग्रह गति के अनुसार आपके लिए जो समय रहेगा वो मंगल शुक्र का ठीक है। अपना शुक्र कारक स्थान में रहेंगे, कारक स्थान में रह करके आपको आपके पार्टनर से भी सहयोग मिलेगा, जो कार्यों में रुकावट चल रही थी वो भी दूर होगी और एक जीवन में स्थिरता का वास होगा। ऐसी सब परिस्थितियाँ यहाँ पर बनेंगी जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना करके शुक्र सप्तम भाव में रहेंगे तो भाग्य के लिए, सुख साधनों के लिए अच्छा है, पर कठिनाइयों के बाद, मतलब कोई भी काम इजी टू ऑपरेट नहीं होगा, पर अंततः बन जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है और शुक्र केंद्र अपने कारक स्थान में भी है, जीवन साथी के साथ भी स्थिति पहले के मुकाबले अच्छी रहेगी। दोस्तों ये है शुक्र का 12 की 12 राशियों पर फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। कुंडली दिखाने के लिए, पूजा पाठ, वास्तु विजिट कराने के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें 9899888433 7011805461। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी, ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 29 जुलाई से 1 अगस्त तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए, पूजा पाठ, वास्तु विजिट कराने के लिए